महाराष्ट्र का रुख करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र भी काफी अहम हो गया है। महाराष्ट्र में भी शिवसेना आपस में गठबंधन में भी उलझी हुई है, लेकिन अब उन्हें समर्थन मिला है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनावों पर जो बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी आ रही है, शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार को बड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी के नेताओं से देर रात मुलाकात होती है और ये मुलाकात शिवसेना के तमाम बड़े नेता करते हैं। AIMIM की तरफ से सांसद हैं इम्तियाज जलील, जिन्होंने ये जानकारी दी है, और इनकी जानकारी के मुताबिक शिवसेना के साथ बैठक के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि उद्धव के दूसरे उम्मीदवार को ओवैसी समर्थन करेंगे। हम आपको बता दें, एक वोट और चाहिए था, और क्योंकि शिवसेना को अब दो वोट जो हैं वो ओवैसी की पार्टी से मिलेंगे। हालांकि ये भी दिलचस्प है, एक पार्टी जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार कहती है और दूसरी पार्टी जो मुसलमानों के रहनुमाई की बात करती है, अब दोनों साथ आ रहे हैं। सियासत का ये अद्भुत खेल और अलग अलग रंग जो है सियासत के आपको चुनावों में देखने को मिलते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के चुनाव भी दिलचस्प हो गए हैं। कौन कौन से उम्मीदवार हैं, देखिए, बीजेपी से पीयूष गोयल, संजय महादिक, अनिल बोंडे, कांग्रेस की तरफ से इमरान प्रतापगढ़ी, तो 6 सीटें यहां पर है महाराष्ट्र में, और इनको लेकर संजय राउत, शिवसेना से संजय पवार ही वो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका मामला फंसा हुआ है। प्रफुल्ल पटेल NCP से राज्यसभा जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा है। संजय महादिक वर्सेस संजय पवार, दो संजय के बीच की लड़ाई, कौन संजय मारेगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि शिवसेना अब आश्वस्त नजर आ रही है, शिवसेना के नेताओं को यह लगता है कि ओवैसी की पार्टी से दो वोट मिलने के बाद उनकी राहें काफी आसान हो जाएंगी, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ये बड़ी बात निकलकर आती है। हमारे संवाददाता ऋत्विक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋत्विक, बड़ा दिलचस्प है महाराष्ट्र की सियासत भी, संजय वर्सेस संजय की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना के, हम आपके पास आए उससे पहले एक बयान हम सुनवाते हैं, जरा कुछ बयानों का दौर भी आया है ये सुनवाते हैं, फिर हम आपके पास लौटते हैं और समझते हैं कि एक हिंदुत्ववादी पार्टी को मुसलमानों के रहनुमा कहने वाली पार्टी का समर्थन मिलता है, ये दिलचस्प सियासत कैसे अलग अलग रंग दिखा रही है, पहले वो बयान सुन लीजिए। महाविकास आघाड़ी जो हमारी है उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप में, हम सब मिलकर 4 उम्मीदवार चुनाव में हमारी लड़ाई जारी है और 4 ही उम्मीदवार हमारे जीतकर शाम को 7 बजे आपको पता चलेगा कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं 169, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अगर आंकड़ा हमारे पास अगर आपको दिखता है तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल को चोट न लगे या धक्का न बैठे। बरसों की जो एक परंपरा रही है वह परंपरा तोड़ने का पाप ये महाराष्ट्र के तीनों दलों ने किया है और उसी के कारण 23 वर्षों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं, और पूरा विश्वास है, आंकड़ों के आधार पर है, तर्कों और तथ्यों के आधार पर है कि हमारा तीसरा भी उम्मीदवार जीतेगा। घोर विरोधी, हिंदुओं की हमेशा आलोचना करने वाले लोग यदि शिवसेना का साथ दे और शिवसेना उनका साथ दे तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी क्या यह बाला साहब की शिवसेना शेष है या नहीं है। तो महाराष्ट्र की जनता तय करे क्या ये बाला साहब के लोग हैं, तमाम तरह के बयान जो है वो आ रहे हैं। ऋत्विक हमारे साथ बने हुए हैं। ऋत्विक, ऐसा लग रहा है कि शिवसेना को दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है, एक मोर्चे पर बीजेपी से जहां वो कह रही है देखिए ओवैसी समर्थन कर रहे हैं, और दूसरा महाराष्ट्र विकास आघाड़ी में भी कहा जा रहा है कि शरद पवार का पूरा समर्थन नहीं मिल रहा उनको, और ये तय करेगा राज्यसभा चुनाव आगे ये सरकार कैसे चलेगी। बिल्कुल, 2019 के बाद जब सरकार स्थापित हुई थी उसके बाद का यह सबसे दिलचस्प दौर माना जा रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि राजनीति कुछ इस तरह से हो गई है। एक तरफ जहां पर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने खड़ी है, जहां पर शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार और बीजेपी के धनंजय माणिक एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर 6वीं सीट के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो वही एक एक वोट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में NCP से आखिरी वक्त पर कुछ ही घंटे पहले जब चुनाव शुरू होना है, बताया जाता है कि हम
44 वोटों का कोटा जो है हमारे ही एनसीपी के कैंडिडेट को देंगे जो कि प्रफुल्ल पटेल है। हालांकि 2 वोट कम देने की बात अब एनसीपी कर रही है, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि शिवसेना के प्रमुख और राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे काफी खफा चल रहे हैं। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के, बीजेपी के और एनसीपी के सारे विधायक जो है ये विधान भवन में वोटिंग के लिए पहुंच गए, लेकिन अब तक ट्राइडेंट होटल में जहां पर शिवसेना विधायकों को रखा गया है पूरी तरह से वो अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि 2 घंटे से वहां पर बस खड़ी है, लेकिन विधायक अभी तक बस में नहीं चढ़े हैं और वो यहां पर नहीं आए। हालांकि 9 बजे तक उनको यहां पर आना था। कहीं ना कहीं शिवसेना को जहां पर बीजेपी के साथ यहां लड़ाई करनी है, अब देखा यह जा रहा है कि जो एमवीए के मित्र दल है एनसीपी, उनके साथ भी थोड़ी सी अनबन चल रही है।